मैं बना रही हूँ खुबानी की चटनी, जो कि अमूमन बाज़ारों में पकौड़ों के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे चार बड़ी खुबानियाँ थी जिनको मैंने हाफ में काट लिया है और ये ड्राई है, और एक छोटा प्याज लिया है, साथ में थोड़े से पत्ते फ्रेश पुदीने के हैं, और एक हरी मिर्च जिसको मैंने स्लाइस करके रखा है, साथ में हाफ टी स्पून सुरख मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल स्पून के बराबर चीनी जाएगी, और पहले मैं पैन में पानी गर्म करने रखूँगी, उसमें उबाले डाल दूँगी नमक और मिर्च के साथ, फिर उसको उबाल आने के बाद ब्लेंड करूँगी। पानी गर्म हो रहा है, अभी मैं इसमें उबानी ऐड कर दूँगी और साथ ही नमक और मिर्च। आप चाहें तो इसमें सिर्फ फूड कलर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं 1 टेबलस्पून के बराबर शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये चटनी खट्टी मीठी होती है। चीनी मिक्स हो जाए तो उसको, अभी एक उबाल आएगा तो मैं उसको बंद कर दूँगी, और नीम गर्म होने तक मैं इसको रखा रहने दूँगी। नीम गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी पुदीने के पत्तों के साथ। अभी मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है पकौड़ों के साथ, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।